नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अली अपने टेक्निकल सॉल्यूशंस चैनल के साथ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा हमारी मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़ क्यों सूज जाती हैं, क्यों जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप बाइक के लिए कोई ड्राई बैटरीज़ परचेज़ करते हैं तो उधर टेक्नीशियन हजरात जो होते हैं काफ़ी देर लगा देते हैं मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में। तो मैं आपको उसकी कैलकुलेशन फार्मूला हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप घर में अपने बाइक की जो आपकी बैटरी है उसको आप नई जब परचेज़ करके लाते हैं तो उसको चार्ज कर सकें। दोस्तों बैटरी की जो चार्जिंग का फार्मूला होता है वो ये होता है, फ़र्ज़ करें आपको 1000 मिली एम्पेयर की बैटरी ही ज़्यादातर मोबाइल्स में यूज़ होती है। तो इसके लिए यानी 30% वाला आपने चार्जर यूज़ करना होता है। यानी इसके लिए आपके लिए जो बेस्ट चार्जर होगा वो 300 मिली एम्पेयर वाला चार्जर होगा। इसी तरह अगर आपके मोबाइल की बैटरी फ़र्ज़ करें 3000 मिली एम्पेयर की है तो उसके लिए 30% बनेगा 900 मिली एम्पेयर आर 1 एम्पेयर में चार्जर अवेलेबल होता है, तो आप ये वाला चार्जर यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें, ये जो बैटरी मैं लाया हूँ बाइक के लिए 12 वोल्ट है और 7 एम्पेयर पर आर 7 एम्पेयर है, यानी 7000 मिली एम्पेयर है। ठीक है जी, ये क्योंकि एक 1000 मिली एम्पेयर से इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अभी इसका हम 30% निकाल लेंगे, 30% 7000 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। दो हिस्से कट के ये आपके लिए आ जाएगा 21 और ये, यानी ये आपके पास आ जाएगा, यानी इसमें आप 2 एम्पेयर या 2.5 एम्पेयर के लगभग आप चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारी जो चार्जर है प्लस बैटरी ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी देखें जी, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 14, ये देखें, ये शायद नज़र ना आए, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये 14 वोल्ट 1.7 एम्पेयर, यानी 1700 मिली एम्पेयर है। तो ये चलें चल सकता है, 2100 और 1800 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बहरहाल आप सिर्फ ये फार्मूला नोट कर लें, आपके मोबाइल की जितनी भी मिली एम्पेयर में बैटरी होगी, फ़र्ज़ करें 5000 मिली एम्पेयर की मोबाइल बैटरी अगर आपकी, तो इसका 30% आप निकाल लें, ये कट गया तो 1500 मिली एम्पेयर, यानी 1.5 एम्पेयर का चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी बैटरी बहुत अरसा तक चलाएगा और वो सूजन भी नहीं होगी और बैटरी आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये बस फार्मूला है टोटल, यानी चार्जर जो आप यूज़ करेंगे इज इक्वल टू 30% ऑफ दी टोटल कैपेसिटी ऑफ दी बैटरी। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फर्ज करें 5 या 6 मिली एम्पेयर या 6 एम्पेयर की अगर आपकी बैटरी है मोबाइल की, तो इसके लिए चार्जर आपको कितना चाहिए होगा, 300। ये आप जो नया मोबाइल फ़ोन डब्बे से लेते हैं वो भी आप देख लें, इस फार्मूले के मुताबिक ही होगा, 1800 1.8 2 एम्पेयर का चार्जर आपके लिए बेस्ट होगा अगर इसको राउंड अबाउट करें तो।
बस ये फार्मूला आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत काम देगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।